बड़ा करोड़पति वो क्या किया, बहुत पैसा कमाया, दिन रात बिजनेस 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 बिजनेस, फ्लाइट में उड़ते रहा। उनका एक बेटा बेटी, बहुत पैसा, बच्चों को कोई कमी नहीं रखा, लेकिन जिंदगी भर पत्नी से तीतरा बात करने के लिए, बच्चों से तीतरा बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था। अचानक घर में आएगा, सारी कपड़ा गंदा कपड़ा उतार देगा, बाकी कोट सूट पूरा पैक करेगा, दोबारा निकल जाएगा। बच्चा लोग हाय हाय, बच्चा लोग यदि फोन करेगा, अरे हम थोड़ा अभी मीटिंग में है, थोड़ा बाद में फोन करेगा। हले लिया और पत्ते फोड़ गया, अरे हम तो यहाँ पर बिजनेस से में बात कर रहे हैं, तुम्हारा क्या काम है, बोले जल्दी जल्दी बोलो। जिंदगी भर लेकिन तकरीबन ज्यादा उम्र में 50 साल उम्र में उनका मौत आया। डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। मालूम है एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, क्या मैसेज रिकॉर्ड किया, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्ड को सुनकर बहुत लोग जिंदगी हैरान हो गया। वो बोला मैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म से, इतना गरीब जिंदगी से इतना बड़ा अरोड़पति बना, मेरे पास 8-10 फैक्ट्री है, मेरा प्रॉपर्टी का गिनती कोई बोल नहीं सकता है, सिर्फ कंप्यूटर में ढूंढना पड़ेगा मेरा प्रॉपर्टी कितना है। मेरा धन दौलत सोना चांदी गाड़ी कितना है, वर्ल्ड का टॉप नंबर गाड़ी उनके पास 8-10 है, अपना खुद का फ्लाइट है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लास्ट में वो डॉक्टरों से विनती किया, मुझे और थोड़ा दिन रखिए, मैं मेरा परिवार के साथ समय बिताना चाहती हूं। तो और कोई नहीं चाहा, और कोई और कुछ भी नहीं चाहा। वो बोला मेरा बच्चों लोगों के साथ में गला मिलाकर कितना साल हो गया, मेरे को और थोड़ा समय मिले। वो लिखा परिवार के साथ में रहना चाहता हूं, मेरा जिंदगी लंबा जिंदगी में एक चीज मिस कर दिया, अभी हम कितना अरोड़ देने से भी, मेरे सारी संपत्ति देने से भी जो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, ये नया साल में प्रभु दिया हुआ वायदा है विश्राम, अपना व्यक्तिगत जीवन में विश्राम, अपना परिवार में विश्राम, शांति हालेलुया कि हमारे जीवन में कायम रखिएगा। अपना परिवार को प्यार कीजिए, अपना बच्चों को प्यार कीजिए, बच्चों से गला मिलाइए, चुंबन दीजिए, पति से बहुत प्यार से बात कीजिए, पत्नी से बहुत प्यार से बात कीजिए, अपना बहू से बहुत प्यार कीजिए, अपना सास को बहुत सेवा कर दीजिए। कितना सेवा करना, मरने के बाद छाती पिटा के फायदा नहीं है, मरने के बाद आप आंसू बहा कर फायदा नहीं, जिंदा होते समय अपना रिश्ता को कायम रखिए, अपना परिवार का रिश्ता को। आज आप घर में जाते ही अपना पति को बोलना आई लव यू, अपना पति को बोलना आई लव यू। जितने लोग अभी पति नहीं है, पति नहीं है, अभी वो चाहता तो भी उनको बोल नहीं पाते। अभी जिसके पास पति है पत्नी है प्यार कीजिए, जिसके पास बेटा बेटी है प्यार कीजिए। बाद में आपको चाहता तो भी आप दे नहीं पाएंगे। हले लिया, घर में कभी चिड़चिड़ाए मत, प्यार को कायम रखना। प्रभु बोला मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ, मेरा ही शांति देता हूँ, दुनिया देने तो कर नहीं, स्वर्ग का स्वाद हमारा परिवार में चखना। अमीन। स्वर्ग का स्वाद परिवार में शुरू कीजिए ये साल। हो सकता है ये 2021 प्रभु का आगमन भी हो।
2021 प्रभु का आगमन भी है। बच जाइए, मेहनत कीजिए, आपस में रिश्ता जोड़ लीजिए, एक दूसरे का कमी को दुनिया मत। मेरा पति में जो कमी है, मेरा पत्नी में जो कमी है, मेरा माता पिता में जो कमी है, मेरा बेटा बेटी में जो कमी है, मेरा सास में, मेरा बहू में जो कमी है, दुनिया मत। जैसा प्रभु मुझे क्षमा किया, मुझे स्वीकार किया, मेरा खाली घड़ी को किसी को फैलाकर मुझे बेइज्जती नहीं किया, किया प्रभु ऐसा करेगा तो कितना अपमान होगा भैया। यदि मेरा खाली घड़ी को प्रभु किसी को बताकर मुझे अपमान कर देगा, कैसा रहेगा, किसी को भी देख नहीं सकता। प्रभु मुझे क्षमा किया, प्यार कीजिए, प्यार बांटिए। आमीन, हालेलुया। विश्राम मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा, दिन हो जाएगा। सामना मत कीजिए, बदला का बदला मत कीजिए। परिवार में खुद अपना पत्नी को प्यार नहीं किया, पति को प्यार नहीं किया, बच्चों को प्यार नहीं किया, फिर प्यार कहाँ से आपको कर सकता। आमीन। अब चाहते मेरे सारे कलीसिया का परिवार प्यार में, प्यार में पति को इज्जत दीजिए। वो तो पति को इज्जत नहीं देते, कहीं जाता तो भी कुछ पत्नी लोग पति को बोल कर नहीं जाते, पति से परमिशन लेकर नहीं जाते। मैं आपको बोलूँगा, यदि आप मिनिस्ट्री के लिए भी जाता है, आत्मा जीतने के लिए भी जाता है, प्रॉपरली पति से परमिशन लेकर जाए, परमिशन लेकर जाए। पति को इज्जत दीजिए, पति को इज्जत दीजिए, पत्नी को प्यार कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। ये नया साल हम सबों को विश्राम का साल बन जाए। मैं पीछे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी बहाल अभी आप मैसेज में ले जा रहे हैं। इस साल मेरा परिवार को जीतने का साल। आमीन। कितना लोग परिवार में, कितना लोग चर्च में नहीं आया, उन लोग को जीतने वाला साल, उनको बदलाने वाला साल। उसके लिए रोइए, उपवास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, तो प्रभु पर विश्वास करेगा तो तेरा सारी घराना उतार पाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में जो भी कमी गई है उससे महसूस कीजिए, सुधर जाइए। मैं जहाँ कहीं कमी है, प्रार्थना में कमी है, भोर के उठने में कमी है, आराधना में कमी है, पवित्र आत्मा का भरपूरी में कमी है, बाइबल पढ़ने में कमी है, या प्रभु के लिए हफ्ता में एक दिन चर्च में जाने में मेरा जीवन में कमी है, आत्मा जीतने में कमी है, कैसल मीटिंग में सहयोग देने में कमी है, जो जो मेरे जीवन में गंदगी है, कचरा है, पाप है, विपचार है, अन्याय है, वचन को जानकर भी जहां जहां अन्ना की अकाली है, ढूंढिए, ढूंढते रहिए, मैं अपने में ढूंढिए, जहां जहां प्रभु से भड़क रहे हैं। कितना लोगों में क्षमा दे नहीं सक रहा है, क्षमा दे नहीं सक रहा है, कुछ लोगों को माफी दे नहीं सक रहा है, वो आपका कैंसर बन जाएगा, आपके जिंदगी में कैंसर बन जाएगा। क्षमा कीजिए, जो जो अपना कमाई है, छोटा कमाई या बड़ा कमाई, धन में एक वो प्रभु का है, आपका नहीं है, प्रभु का है। हम लोग दान दशांश न देने के कारण प्रभु का मिनिस्ट्री रुका जा रहा, नहीं तो कब का ये जमीन को खरीद कर हम लोग चर्च बनाना था, बनाना था कि नहीं, हालेलुया, बनाना था। लेकिन कितना लोग प्रभु को देने वाला दशांश को भी निकाल कर फिक्स्ड में डालकर खाते रहता है, एक दिन फ्यूचर कहाँ जाएगा, एंटीक्राइस्ट के हाथ में चले जाएगा, शैतान के हाथ में चले जाएगा। प्रभु के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, कम से कम दस एक प्रभु के लिए देना ही नहीं दे पाते, प्रभु को चोरी करते, तो हम बोलते हैं मेरा जीवन में सब भरपूरी हो, कहाँ से होगा, मेरा सारी परिवार उधार पावे कहाँ से होगा। सही सही तरह आपका परिवार का किसी ना किसी को अपना मुट्ठी में रखे रहना,
शैतान किसी ना किसी को आपको मुट्ठी में उनका मुट्ठी में रखे रहेगा, उनका द्वारा आपको तंग देते रहेगा, उनके द्वारा आपका कच्चा करते रहेगा, उनके द्वारा आपको परेशान करते रहेगा, उनका द्वारा आपको मसीह में बढ़ना नहीं देगा। क्यों? हाँ, वचन को जानकर वचन का ना क्या करें। आज इस साथ एक चीज को अपने जीवन में लिए, बाइबल में खास तौर पर नया नियम में जितना भी वचन लिखा, एक एक वचन को मैं आज्ञाकारी बनूंगा। जो जो लिखना है सब कुछ अपने डायरी में लिखिए, क्या क्या चीज में मैं अभी भी तैयारी होना है, सही होना है, मेरा चित्र स्वभाव में, मेरा चाल चलने में, मेरा उठना बैठने में, मेरा नजर में, मेरा बुरा विचारों में, मेरा होटल को बोली गुजरों को बोली ठीक नहीं रहता है, गुस्सा आ गया तो ऐसा ऐसा बोल देता है, हले लिया हमारा चाल चलन जिंदगी में, प्रभु का वचन में, प्रभु के ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, वरदान में, आत्मा चित्र में, पवित्र धाई में, आराधना में, प्रार्थना में, बोल उठने में, बाइबल पढ़ने में, और प्रभु के लिए अपना जो भी कमाई, अब छोटा कमाई, सिर्फ आज 50 रुपया कमाया लेकिन 5 रुपया वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो किसका? प्रभु का। उसको चोरी कर कर आप कच्चा कर लेगा कैसा? हालेलुया, ये एक रिश्ता है प्रभु के साथ, ये प्रभु के साथ एक पाचा है, प्रभु बोला है। तो पुदीना सारी साख बात में तुम दशांश देते हो लेकिन प्रभु की व्यवस्था को तुम नहीं मानता, करना उचित यही है, वो भी करना, ये भी नहीं छोड़ना, दोनों करना, ये नहीं दशांश दे दिया तो प्रभु को घुस दे दिया, हम जो अपना मन मर्जी देंगे, अभी तो पैसा तो दे दिया प्रभु को, वो 19-20 ठीक कर देगा, नहीं करेगा। ये ऑनलाइन प्रेयर में हम देखा छोटा छोटा दूध पीने वाला बच्चा लोग लेकर आया, छोटा छोटा बच्चा, नया नया बच्चा लेकर आया, कितना मजा लो, लंगड़ा लो, साल की साल का पहला प्रभु भोजन लेकर साल का शुरू करें। हालेलुया। लेकिन बहुत से सही सलामत वाला लोग घर में रह गए जो आ सकता था, दूर दूर का लोग सुबह निकाल के रात को पहुंच गए थे, बाहरपुर का लोग आकर बाहर ले लिया, जोड़ो मोहाल का लोग आकर बाहर ले लिया। हालेलुया। देखा हमारा बहुत से पुराना विश्वासी लोग उसके महत्व को नहीं समझा, साल का शुरुआत में किसी तरह के हम अपना नया साल में प्रवेश करना। हालेलुया, हालेलुया, यह हमारा जिंदगी माना है। ये प्रभु भोजन के बारे में पहले में एक बार बोला, ये प्रभु भोजन को आप ऐसा चाया सिंगारा करके मत सोचिए, ये प्रभु का सच्ची में शरीर है, सच्ची में, सच्ची में। इसलिए तो 12 बजे के बाद कितना भी प्यास लगा, प्यास बहुत लगा लेकिन पानी भी नहीं पीते, पहला मेरा मुंह में जाएगा प्रभु भोजन जाएगा। हालेलुया। फायर धो के नया साल में नया प्रभु को जिनके साथ अपना जिंदगी यीशु मसीह का शरीर के साथ शुरू करना। बहुत लोग इसको थोड़ा लगा पीछे जाइए, ये रिकॉर्ड हो रहा है सिस्टर, बच्चा को लेकर पीछे जाइए। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार मैं इसको पहले में कहानी बताया था, अभी भी थोड़ा बता रहा हूं। एक सिस्टर अपना पति को छुपा छुपा के चर्च में जाता था, जब जब वो पति नहीं है तुरंत चर्च में बात जाता, प्रार्थना करता, उनका यीशु मसीह पर बहुत प्यार हो गया। लेकिन पति क्या है, नंबर 1 आरएसएस वाला है, वो प्रभु का बहुत बड़ा विरोधी है। लेकिन पत्नी क्या करती है, चुप चुप बांध जाता। एक बार चर्च में आनंद हुआ,
आज ये 32वां है, 1600 तारीख को, ये 1600 जगह पर 1600 समय में जो जा सकता आएगा। इनको लगा अब लोग 32वां तो नहीं लेंगे, लेकिन जाकर देख लेंगे कैसा 32वां हो रहा है। हालेलुया, जाकर देखा वहां पर सबका 32वां हो रहा है। इनका मन में लगा अभी हम भी कैसा भी 32वां लेना है। 32वां मालूम है, वो भी जाकर 32वां ले लिया। पास्टर बोले, पास्टर में बात में फॉर्म गेम फटअप करके 32वां चाहिए, पास्टर दे दिया। 32वां का बाद अनाउंस हुआ ये रविवार में प्रभु भोजन होगा, जो जो 32वां लिया हुआ एक भी नाका नहीं करना, 32वां लिया हुआ सब आकर प्रभु भोजन में भाग लेना, उसमें यीशु का शरीर और यीशु का लघु बांधा जाएगा। इसके लगा यीशु का शरीर यीशु का लघु बांधा जाएगा, अरे यार वो कैसा बनेगा। ठीक है, कुछ भी हो ये रविवार का हम लोग को आना ही, घर में गया अरे इतना देर लेट क्या है वो इतना बोल दिया, बाद में तुम चर्च गया हो और डाटा बहुत ही गया ऐसा, तो चर्च में जाकर फाइट कर देगा। वो बोला ठीक है, जिंदगी भर में आपके बिना अनुमति से हम चर्च नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट, ये रविवार सिर्फ हम जाएंगे। ये बोला ये रविवार में क्या है, यीशु का मांस दिया जाएगा, यीशु का लहू दिया जाएगा, यीशु का मांस दिया जाएगा, यीशु का खून, हाँ खून दिया जाएगा। अरे वो कैसे दे, नहीं पास्टर सबके सामने बोले रविवार का यीशु का शरीर दिया जाएगा, यीशु का खून पिलाया जाएगा, यीशु का खून पिलाएगा, इसका बहुत हैरान हो गया। वो सोचा अभी तक मसीह लोग फंसी गया, क्या हो गया किससे लोग फंसी गया, चलो तुम जाओ ये रविवार जाओ, लेकिन एक बार जो वहां पर यीशु का मांस देगा तो लघु देगा सीधा मेरे पास लेकर आकर देगा, लेकिन तो बड़े मार मारूंगा। चर्च में गया, मीटिंग खत्म हुआ, प्रभु पूजन के लिए सब बिठाया, बिठाने के बाद सबको दे रहा ये हाथ आंग बंद का हाथ फैलाया, इसको भी क्या है रोटी का एक टुकड़ा मिला, रोटी का टुकड़ा मिला। अरे यार ये तो बोला यीशु का मांस मिलेगा तो रोटी का टुकड़ा मिला, अरे यार अभी इसके देखकर जाके मेरा पति को दिखाइए तो बड़े मार मिला रहेगा मेरे को, झूठ बोल के तो चल चल गया, यदि नहीं दिखाया तो भी मारेगा, क्यों लेकर नहीं आया, तो क्या कर दिया ऐसे बंद करके रख दिया, ठीक है कैसे भी दिखाएंगे। उसके बाद प्रभु का लघु लेकर आया और तो इसके हाथ में नहीं दिया, ऐसे वो मुंह में डालकर तुरंत उठा लिया, नहीं तो पूरा पिलेगा। हाँ तो मुंह डाले तो चंदर चले गया, तब तो सोचा ठीक है इसको तो कम से दिखाइए, ऐसा मुट्ठी बंद करके चर्च में गया, सारी घर में गया, घर में जाकर पति दिया आज आ जाओ दिखा दिखा जाओ, देख दिया मुट्ठी में कुछ लेकर आ रहा है, दिखाओ दिखा, ये बोल रहा है एक बात हो गया कुछ भी पहले खोलो ना, देखो खोला पूरा खून 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 के साथ व्यक्ति के साथ एक मांस का टुकड़ा मिला, क्या मिला मांस का, रियली मांस का टुकड़ा मिला। ये देख हैरान हो गया वो औरत भी हैरान हो गया, भाई वो तो दिया तो रोटी दिया तो पूरा खून के साथ, हाथ में पूरा खून है, खून के साथ मांस हो गया, बहुत हैरान हो गया, गपति हैरान हो गया, तुरंत एक प्लास्टिक लेकर आया, प्लास्टिक में टुकड़ा डाला, सिरंद क्या कर दिया लैब में लेकर चले गया, लैब में जो कितना भी खर्चा होगा इसका पूरा पूरा डिटेल चाहिए कौन सा मांस है उसका पूरा डिटेल चाहिए। तो वो बोला ठीक है कम से कम 2 घंटा होगा, ठीक है 2 घंटा वेट कर, और रिपोर्ट आया लैब में ये मांस है इंसान का, फर्स्ट रिपोर्ट आया इंसान का, उसके बाद जेंट्स का जीन है, इसमें किसका जीन है जेंट्स का जीन, जीन जानता ना, जीन किसका है जेंट्स का,
इसी का जेंस का जेंस से ये पता चला, ये तकरीबन 30 से 35 साल उम्र का एक मर्द का कितना उम्र 30 से 35, वो भी एक काट कर नहीं निकला, ऐसा ही चीन के तोड़ कर निकला सनी, और उसके टाइमी तकरीबन 3 घंटा पहले, कितना घंटा पहले प्लस, बिल्कुल हैरान हो गया। रिपोर्ट पढ़ के आके आखिरी में सीधा चर्च में गया, कुटना टेका प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम। कितना लोग हैं प्रभु भोजन का महत्व तो नहीं समझते, ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, प्रभु का फुल पीठ से पता लगा रियली हुआ घटना हमारा इंडिया में, रियली हुआ घटना। हालेलुया। देखिए बहुत लोग प्रभु भोजन का कोई महत्व नहीं, चर्च में प्रभु भोजन होता है, घर में सोते रहता, अभी पता नहीं चलेगा। हम सबका हाल मसीह के न्याय सर के सामने खुल जाए एक दिन। इब्रानी का पत्रिका 9:27 में लिखा है, हम सबका हाल मसीह के न्याय सर के सामने खुल जाएगा, आपके साथ अभी कुछ नहीं होगा, आप कितना भी भला बुरे करो अभी कुछ भी नहीं होगा, कब होगा, एक दिन न्याय का सिंहासन के सामने, प्रभु के सिंहासन के सामने। पढ़ो, और जैसा मनुष्य के लिए नियुक्त है कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना, न्याय का होना नियुक्त है, एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त है। पहला पंक्ति उसका 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, मसीह का न्याय आसन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों की बदला जो उसने देह के द्वारा अपने देह में रहते समय जो किया है पाए, वो पाएगा। योहाना उसका 12:1, योहाना रचित सुसमाचार 12:1, मैं किसी का न्याय नहीं करता हूँ, यीशु बोला मैं किसी का न्याय नहीं करता हूँ, लेकिन न्याय करने वाला एक है, अर्थात मैंने जो कहा वो वचन पिछला दिनों में, अभी नहीं पिछला दिनों में उसको न्याय करेगा। पढ़ो, मैं जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता उसका दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन उसे दोषी ठहराएगा, पिछले दिन में उसको दोषी ठहराएगा, कब करेगा, अभी तो आप अपना मर्जी कुछ भी कर, प्रभु अभी कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, कुछ भी नहीं बोलेगा प्रभु, मना किया हुआ फल तोड़कर खा प्रभु देखेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन न्याय होगा 100% होगा, कब होगा, पिछले दिनों में किताब में खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति जो जैसे जैसा किताब में लिखा वैसा वैसा उसका दंड हुआ, जिस किसी के नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है या खटा गया वो आग और गंधक का चीन में भाग लेगा। इधर जो अपना मनमर्जी करना कर लीजिए, पास्टर का बात नहीं मानता है, बाइबल का बात नहीं मानता है, पास्टर को तुच्छ समझता है, लेकिन न्याय होगा, अभी कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कीजिए। हालेलुया। यहां पर सब कुछ सफलता होगा, न्याय 100% होगा, जो प्रभु कहा वो वचन में न्याय करने वाला। इसे हर चीज के लिए मान्यता दीजिए, भय भक्ति के साथ प्रभु भोजन में लेना, भय भक्ति के साथ, प्रभु बोला भय नहीं दोया, मेरे साथ तुम्हारा कोई साथा नहीं, भय दोया तो बाकी सब साफ है, जो ना चुका वो भय दोने के सिवा बाकी सब साफ है, भय दो दिया तुम्हारा साथ हो जाएगा साल में, मैं गुरु प्रभु होकर आपका पैर धोया, तुम भी एक दूसरे को पैर धोना चाहिए, जैसा मैंने तुम्हें नमना दिया वैसा तुम भी क्या करो तो धनिये रहेगा। लेकिन बहुत लोग है जानता है परवा नहीं, अरे चलेगा, अरे इतना बड़ा बात नहीं, अरे हम कितना बार तो प्रभु भजन नाका कर दिया मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कितना बार तो पैर धोना नाका कर दिया मुझे तो कुछ नहीं हुआ,
यही तो आदम भी सोचा होगा, देखो फल खाने से मरेगा पड़ा, लेकिन मेरा पत्नी फल खाया मरा नहीं, चलो हम भी खाएंगे। लेकिन पिछला दिन में दोषी डरा जाएगा, ये वजन कभी नहीं, अब जो कुछ करने रखा होना है इसलिए अपना जीवन में लिखिए, जहां कहीं मैं वजन को जानकर अभी भी अन्ना दिया करिए। कितना पुराना लोग है, साल पर चश्मा था लेकिन एक आत्मा नहीं कमाता, एक आत्मा नहीं बचाता। हमारा 2000 विश्वासी है, यदि वो एक आत्मा एक साल में साल भरकर एक आत्मा को बचाएगा तो अगला साल कितना हो जाएगा, डबल होगा कि नहीं। एक जवान लड़की जो सीमा लोहा, एक जवान लड़की 61 आत्मा बपतिस्मा में तैयारी किया, ताली बजा के प्रभु का। सीमा सिस्टर सॉरी क्या गीता सिस्टर जो शादी शुदा है, घर परिवार है, सबका संभाला, फिर भी मिनिस्ट्री में निकालकर 43 आत्मा बपतिस्मा के लिए तैयारी किया। कभी घर से निकलना ही नहीं चाहते, इतना आलसी है, सोते रहते हैं, घर में पड़ी रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कहीं बेकार बातचीत करते रहते हैं, तो एक दिन न्याय होगा नहीं होगा, ये नष्ट होने वाला आत्मा के लिए कौन जवाबदारी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके परिवार में लोग मर रहा है, सिर्फ पास्टर को बोलते थे, पास्टर मेरा पति के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए, मेरा पत्नी के लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा बच्चा के लिए प्रार्थना कीजिए। तुम क्या कर रहा, थोड़ा सा सीरियल देखे, तू उपवास कर, परिश्य का उपदेव उपवास भी, परिश्य का सदस्य से भी हमारा धार्मिकता अधिक नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु का सुन करके बोला, पढ़ो पति बीस, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज को कभी प्रवेश ना करने पाओगे, कभी प्रवेश करना नहीं पाएगा। फरीसियों का धर्मी का क्या, तीन नहीं दो बार वहां लिखा है, दो बार अपना कितना बार कामना कितना बार पासिंग लेना बोलिए। 2021 में हरे कम से 3 बार फास्टिंग, कितना मेरे बात में सहमत है, बहुत इसी है, ऑलरेडी सनी बार फास्टिंग है एक बेला, रविवार आराधना है एक बेला, सुबह मत खाइए, ऑलरेडी 2 दिन हो ही गया हफ्ता में, हुआ कि नहीं हुआ, तो बीच में तो एक दिन करा दीजिए ताकि ब्रेकफास्ट नहीं खाइए, वो दिन भी फास्टिंग उपवास में बैठेंगे, होता नहीं होता, ऑलरेडी शनिवार रविवार तो हम लोग सुबह नहीं खाते है कि नहीं, तो आप तक मैं एक दिन नियुक्ति कीजिए, हम उपवास करेंगे, कर सकता है नहीं कर सकता, आप बताइए कितना लोग कर सकता, कर सकता, सेटन पड़ेगा, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम्हारा शुगर है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा ये है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता। हम 2 दिन से नहीं सोया, फिर भी कल रात बुरा, उसके बाद मीटिंग इधर खत्म होने के बाद अजारी बात वहां से कितना बजाया, 10:30। उसके पहले आगरा में रात को घर पहुंचा 1 बजे, प्रेजलाल यहां पर मीटिंग आराधना आग जागना फिर गाड़ी चलाना, तुम्हारा गाड़ी चला कर आना, सिर्फ आते समय धनबाद से हजारीबाग से धनबाद तक मेरा बेटा चला है, करता है प्रभु मुझे चलाता है, आप कभी कमजोर नहीं होगा और ताकतवर बन जाएगा, सिर्फ मेरा गला पकड़ लिया बस, हालेलुया। एक एक धार्मिकता इस साल पूरा करेंगे, लिखिए, लिख कर रख कर उसको पढ़िए, मेरा जहां जहां मेरा जीवन में कमजोरी है, नहीं तो प्रभु आ जाएगा दूरी भुकेगा, आप चुनी जाएगा तो क्या फायदा, उस टाइम छाती पीट का फायदा नहीं है, अभी भी वक्त है मन फिरने का, ये आवाज को जहां से भी सुन रहे हैं अभी भी वक्त है मन फिरने का, आइए अपना आंखों को बंद करेंगे,
जो जो कुत्ता टिक सकते हैं वो अपना जगह पर कुत्ता टिके। आज अपना जीवन को पहचानिए। ये वचन पिछले दिनों में उनको न्याय करेगा। यीशु ने कहा, मैंने जो कहा वो वचन तुम्हें एक दिन न्याय करेगा। एक बार मरना फिर न्याय होना सबके लिए लुटते है। जैसा लिखा है मनुष्य के लिए, हम सबका हाल मसीह के न्यायसन के सामने खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों की बदला जो अपने देह के द्वारा किया है वो उठाए। कितना तो वचन सुनते हैं लेकिन सुनते समय मानते हैं लेकिन जाते समय दूर जाकर चले जाते हैं। दोबारा अपना मन को कठोर कर देते हैं। आज प्रभु से बड़े प्रभु हर एक वचन खासतौर पर नया नियम में लिखा है। मैं पूरा की पूरा मानकर तैयार रहना चाहते हूँ। मुझे धोखा नहीं होता। मेरा आत्मा का बचाव प्रभु, मेरा आत्मा का बचाव प्रभु, मेरा आत्मा का बचाव, मेरा जिंदगी का बचाव प्रभु, मेरा जिंदगी, मेरा आत्मा कहीं पर भी नष्ट ना हो जाए, नरक में ना जाए, नरक की आग में ना जाए। ये दुनिया बेकार है, दुनिया के लोग बेकार है, दुनिया को कोई भी कुछ मुझे साथ नहीं देगा। मेरा नौकरी छकरी घर द्वार गाड़ी घोड़ा सोना चांदी धन दौलत सेक्टर कार कुछ भी मुझे साथ नहीं देगा। प्रभु आपके वचन बोलिए, प्रभु आपके वचन, प्रभु आपके वचन, एक वचन आवाज हो जाते घर जाएगा लेकिन मंदिर का एक वचन एक बुद्ध कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। जब भी जब भी कबूचाला भरे में लगा कबूल तुम तभी को सुन नहीं। जब भी कबूचाला भरे में लगा कबूल तुम तभी को Thank you.
आज सुना वचन के अनुसार हर एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु ये नया साल में चलाने के लिए कोई प्रतिज्ञा के साथ सबके जीवन में।